बढ़ती बेरोजगारी व गैर हिमाचलियों को नौकरी देने के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रोजगार के साधन बंद हो गए हैं। प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़े में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 15 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। राठौर ने कहा कि जो नौकरियां निकल रही है उनमें बाहर के प्रदेश के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ आंदोलन किए जाएंगे। सरकार को गैर हिमाचलियों की अपेक्षा हिमाचल के लोगों के हित का ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी है लगभग 4 वर्षों से ज़्यादा समय हुआ, आज रोजगार के सारे साधन जो है बंद है। हिमाचल प्रदेश जो है आज बेरोजगारी के आंकड़े में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। और आज 15 लाख से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जो अनरजिस्टर्ड है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हम हमेशा कहते आए हैं, हमने सरकार से मांग भी की है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनकी भी आप सूची बनाइए, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और जो सरकारी सेक्टर है वहाँ भी जो नौकरियाँ निकलती है उन नौकरियों में हिमाचलियों के बजाय जो है बाहर के लोग हैं उन्हें रखा जा रहा है। पहले सचिवालय का मामला जो है वो सामने आया जिसमें भारी लोगों को नौकरी दी गई। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने नियमों को बदलने की बात की। अभी विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है लगभग 13 जेई जो है वो बाहर के प्रदेशों से जो है रखे गए हैं। अब हमारे अपने युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, और अब बाहर से जो नौजवान है उनको यहाँ लाकर आप रोजगार दे रहे हो। ये सरासर हिमाचल प्रदेश की जो युवा वर्ग है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमने आज निश्चय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे जिला में जो है प्रदर्शन हो रहा है। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी शिमला अर्बन और रूरल कर रही है, उसी तरह सभी जिलों में हो रहा है। और 1 तारीख को कांगड़ा में अलग से प्रदर्शन हो रहा है जिसमें मैं स्वयं जा रहा हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो गैर हिमाचलियों को छोड़कर हिमाचलियों के जो हित है उनकी तरफ ध्यान दें, और जो भी हिमाचल में नौकरियां निकल रही हैं उन्हें उन नौकरियों में हिमाचल के जो युवा हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। वहीं उपचुनावों पर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस उपचुनावों को लेकर पहले से तैयार थी लेकिन बीजेपी चुनावों से भाग रही थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार पर चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा तो अब चुनाव कराए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही हाईकमान से बातचीत के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आज महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। जनता चुनावों में इसका जवाब सरकार को देगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। चुनावों के लिए पहले से तैयार थे, चुनावों से तो भारतीय जनता पार्टी भागी है। आज जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तो चुनाव आयोग भी दबाव में आया। आज चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो उम्मीदवार हैं उसका भी हम बहुत जल्दी फैसला करने वाले, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इन 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जो अपनी भारी जीत जो है दर्ज कराने वाली। चुनावों में अहम मुद्दे सारे मुद्दे हैं। नंबर 1 मुद्दा विकास, हिमाचल में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। दूसरा मुद्दा महंगाई, आज महंगाई जो है आसमान छू रही है, समाज का हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है। तीसरा बेरोजगारी जिसको लेकर हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार हमारी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है, कर्जे पे सरकार चल रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जो है पहले से ही जनता के बीच में जो घोषणा हुई है अभी समय है, बहुत जल्दी ही हम अपने पार्टी की जो हमारी आला कमान है बैठ के हम बात करेंगे और जल्दी ही हम घोषणा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।
हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।